बहुत सारे बिंदुओं के साथ पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया गया। राज्य की किसी घटना में मृत्यु होने पर जो सहायता सहयोग सरकार देती है वही सहयोग अग्निवीर के परिजनों को भी दे होगा। तो महिला सम्मान योजना के तहत दिसंबर मास से महिलाओं के खाते में 2500 रूपये देने का, उसे भुगतान किया जाएगा प्रतिमा। नमस्कार, मैं हूं दिवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। हेमंत सोरेन ने चौथी दफा सीएम पद की शपथ जो है वो रांची के मोहराबादी ग्राउंड में जो है वो ले ली। शपथ ग्रहण समारोह के बाद ताबड़तोड़ फैसले जो हैं वो हेमंत सोरेन जो हैं वो ले रहे हैं। चौथी बार सीएम बनने के बाद जो है वो कई फैसले जो हैं वो हेमंत सोरेन ने लिए हैं, और जिसकी जानकारी जो है वो फेसबुक पेज पर हेमंत सोरेन ने जो है वो दिया है और लिखा है कि अबुआ सरकार के शपथ ग्रहण के बाद कुछ महत्वपूर्ण लिए गए निर्णय और प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन जो है वो किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ये कि अगर कोई भी व्यक्ति झारखंड का रहने वाला है वो अग्निवीर योजना के तहत जो है वो नौकरी करने के लिए सेना में गया है और इस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिजनों को सरकारी नौकरी मिलेगी। ये बड़ा ऐलान जो है हेमंत सोरेन की तरफ से जो है वो किया गया। इसके अलावा असम में बरसों से रह रहे झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों की स्थिति की जानकारी सर्वदलीय व पदाधिकारी टीम के द्वारा जो है वो ली जाएगी। इसका भी जो है वो निर्णय हेमंत सोरेन ने जो है वो लिया है। और राज्य में JPSC JSSC के अंतर्गत होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया को तेज किया जाए, ये भी हेमंत सोरेन ने अपने अधिकारियों को कह दिया है। केंद्र सरकार के पास राज्य का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए लेने के लिए कार्रवाई की जाएगी, इसका ऐलान जो है वो हेमंत सोरेन ने किया है। बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार के गठन के बाद पहली बार जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। उनका पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का तकरीबन 11 मिनट का है, लंबा है लेकिन महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है। महत्वपूर्ण इस मायने में है क्योंकि चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ये हेमंत सोरेन की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप सबने देखा और आज के ऐतिहासिक दिन के गवाही बने। आज भव्य शपथ ग्रहण के बाद नई सरकार गठन के मार्ग प्रशस्त हुए हैं। उसके पश्चात आज हम प्रगति भवन में आए हैं और बहुत सारे बिंदुओं के साथ पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया गया। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने थी जिसका हम लोगों ने निष्पादन किया। आप सब लोगों ने देखा और आप सब लोगों को मालूम है केंद्र सरकार देश की रक्षा हेतु अग्निवीर जैसी कार्यक्रम को चला रही है। उस विषय को लेकर कई सवाल हैं नौजवानों के भविष्य को लेकर, और आपको मैं बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने, हम लोगों ने पहले ही यह निर्णय लिया था कि झारखंड राज्य के जो भी नौजवान अग्निवीर में शामिल होंगे और किसी घटना में अगर उनकी मृत्यु होती है तो उनके पूरे परिवारों के साथ, परिवारजनों के साथ राज्य सरकार खड़ी रही है और राज्य पुलिस कर्मियों को जो
राज्य की किसी घटना में मृत्यु होने पर जो सहायता सहयोग सरकार देती है वही सहयोग अग्निवीर के परिजनों को भी दे होगा। आपको मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले ही असम के सीमावर्ती क्षेत्र में उग्रवादी घटना में 21 या 22 तारीख का दिन है जहां झारखंड का एक नौजवान चंदन क्यारी बोकारो जिले का एक क्षेत्र है वहां का एक नौजवान अर्जुन महतो जो वीरगति को प्राप्त हुआ उनको और आज हमने उनके परिजनों को बुलाया उनके भाई को हम लोगों ने एक नियुक्ति पत्र दिया और 10 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान भी उन्हें उपलब्ध कराया गया और उनके भाई बलराम महतो बोकारो समरणालय में चतुर्थ वर्ग के पद पर उनको नियुक्त भी किया गया। लगभग मुझे लगता है इस घटना को हुए हफ्ता दिन हुआ होगा और हमारी कोशिश थी कि अविलंब उनको ये सहायता उपलब्ध कराया जाए क्योंकि आप सबको मालूम है कि राज्य में आचार संहिता लागू था सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही थी और सरकार गठन होने के पहला कदम हम लोगों ने उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होने का अपना संकल्प पूरा किया। इसके अलावा आज सभी विधायकों को 81 विधानसभा में जो चुने गए सदस्यों को शपथ ग्रहण हेतु प्रोटेम स्पीकर के रूप में प्रोफेसर स्टीफन मोरांडी जी को चुना गया और ये भी निर्णय लिया गया कि आगामी 9 से 12 तारीख सरकार का प्रथम सत्र आहूत होगा और ये भी निर्देशित किया गया कि जो हमने निर्णय लिया था कि महिला सम्मान योजना के तहत दिसंबर माह से महिलाओं के खाते में 2,500 रूपये देने का उसे भुगतान किया जाएगा प्रतिमा। केंद्र सरकार में हमारा जो बकाया है 1,36,000 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकारी उपक्रमों पर है उसकी वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। आपको पता है ये राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य है यहां पर सामाजिक सुरक्षा सोशल सिक्योरिटी अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इसके तहत राज्य के गरीब गुरुआ लोगों को उनकी आर्थिक स्वावलंबी कैसे बने
और इसको लेकर सरकार को अपने आर्थिक अपनी आय बढ़ाने की आवश्यकता होगी। इसके लिए नए स्रोत खोजे जाएंगे, खनन क्षेत्र में लागू या चल रहे पुराने करों की समीक्षा होगी और उसमें वृद्धि एवं न्यायिक मामलों लंबित है उन सबको त्वरित गति से खत्म किया जाएगा। खनन क्षेत्र में कितने अधिक करें बढ़ाई जा सकती है इस पर सरकार आगे बढ़ेगी। आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने उत्पाद सिपाही में भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन इस प्रक्रिया के तहत बड़े पैमाने पर नौजवानों की जाने गई है, जो बहुत ही दुखद घटना के रूप में हमारे सामने आया है। क्योंकि भविष्य में भी बड़े पैमाने पर पुलिस की बहाली होनी है, इसलिए अविलंब पिछले हुए नियुक्ति में जो घटना घटी है उसकी समीक्षा की जाएगी। राज्य में सभी पदों पर नियुक्ति के लिए जेपीएससी और जेएसएससी तथा अन्य प्राधिकार एक जनवरी 2025 के पूर्व परीक्षा कैलेंडर प्रकाशित किया जाएगा और जो लंबित रिजल्ट हैं उनको प्रकाशित किया जाएगा। साथ साथ में यह भी निर्णय लिया गया असम में जो वहां के चाय बागान में बरसों बरस से यहां के मूल वासियों को ले जाया जा करके जो वहां बसे हैं, जो विशेषकर जनजातीय समूह जो झारखंड मूल के हैं, उनकी दशा एवं उनके भविष्य में दिए जाने वाले सुविधा का अध्ययन के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल एवं पदाधिकारियों का दल असम जाकर जमीनी स्तर पर अध्ययन करेंगे और सरकार को प्रतिवेदन सौंपेगा। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके हम समक्ष हमने रखा है, बाकी चीजें और भी है जो हम समय समय पर आप सब लोगों के समक्ष अवगत कराने का काम करें। फ्लोर टेस्ट जो